दोस्तों, आपसे अपन ने तकरीबन 1.5 महीने पहले इस विषय पे बात की थी कि इम्तियाज़ जो खत्री है ना, यही है जो बॉलीवुड के असल में माफिया लोग हैं। मैंने आपको कहा था, बताया था उस टाइम भी कि ये जो बॉलीवुड का असल में माफिया है ना, ये एक्टर्स लोग नहीं हैं, ये छुपे हुए लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन पीछे रह के ये सबको रूल करते हैं, अपनी गुंडागर्दी वहाँ पे रन करते हैं। इम्तियाज़ खत्री को पकड़ो, ये बहुत सी चीज़ें उगलेगा। अब जो श्रुति मोदी के लॉयर है ना, उन्होंने इस बात को रिवील किया है। वो कहते हैं कि इम्तियाज़ खत्री जो है ना, ये पूरा ड्रग का जो कार्टल चल रहा है पूरा बॉलीवुड में, ये इम्तियाज़ खत्री इसका सूत्रधार है। इम्तियाज़ खत्री को पकड़ना चाहिए, और ऐसे इम्तियाज़ खत्री जैसे और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। ये घटिया मानसिकता के जो लोग हैं ना, जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, जो गुंडागर्दी चलाते हैं, जो आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर किस तरह से हक जताने की कोशिश करता है, किस तरह से उसको लेके जाता है, आप सीधी तरीके से देख सकते हैं कि इम्तियाज़ खत्री ने जब उसको हैंडल किया था तो वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे पर शिकन दिख रही थी। अब दिखे भी क्यों ना, एक सीधी सी बात है। देखो दोस्तों, एक आउटसाइडर जब बॉलीवुड में ये सोच के जाता है कि मैं वहाँ पे, क्योंकि अपन को जो दिखता है ना पर्दे पे, अपन को लगता है यार हीरो की लाइफ कितनी ज़्यादा रंग मिजाज होती है, कितने ऐशो आराम भरी ज़िंदगी होती है, लेकिन जो ये पीछे रह के माफिया रन करता है, पूरा एक ड्रग्स का नेटवर्क होता है, आप नहीं इसमें ढकेलना चाहो तब भी आपको जानबूझ के ढकेला जाता है। तो इस तरह का जब माफिया रन हो रहा हो तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत वो व्यक्ति था जिसने खुल्लम खुल्ला बोला है कि वो कभी इंटॉक्सिकेशन नहीं करते थे, लेकिन आज जब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो ये कहा जा रहा है, ये पूरा इन्होंने PR एक्टिविटी कर दी है कि सुशांत सिंह राजपूत वो व्यक्ति था जो नशा करते थे, जो ड्रग्स लेते थे, जो ड्रग्स के शौकीन थे, उसके आदी थे। लेकिन ये सब जो लोग थे ना, बाकी लोग, इनका काम सिर्फ ये था, क्योंकि उनके यहाँ पे नौकरी करते थे तो सिर्फ इनका रोल बनाने का काम था, बाकी ये लोग इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं थे, ये लोग नशा नहीं करते थे। लेकिन जो एक वीडियो दीपेश सावंत का देखा जिसमें वो धुएं का छल्ला उड़ाता हुआ दिख रहा है, वो नशा करता हुआ दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का आपको कहीं पर ऐसा वीडियो नहीं दिखेगा कि वो ड्रग्स, गांजा या कोई चीज़ ले रहे हो। लेकिन ये लोग जो है ना, इन्होंने बिल्कुल अच्छे से ये एक थ्योरी गढ़नी चालू कर दी है कि सुशांत सिंह राजपूत वो व्यक्ति है जो ड्रग्स लेता था, जो नशा करता था। बाकी जो श्रुति मोदी की लॉयर है ना, वो पहले ही कह चुके हैं रिया ड्रग्स लेती थी, वो इन सब चीज़ों से अछूती नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ तो बिल्कुल तय लिखी जा चुकी है कि रिया चक्रवर्ती का जो फ्यूचर है ना, वो जेल में ही कटने वाला है। उसका जो लिखी है ना कहानी, ये बॉलीवुड के माफिया, उन्होंने लिख दिए कि वो तो अब जेल में ही चक्की पीसेगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर उद्धव सरकार कौन से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, कौन से माफिया को बचाने की कोशिश कर रही है कि ड्रग्स, ये जो कार्टल पूरा चल रहा है, ये भी नहीं पकड़ में है। तो ये वाली चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ऐसे लोग सामने आने चाहिए जिनको बचाया जा रहा है, जो माफिया रन हो रहा है ये पकड़ में आना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों में दोस्तों, एक चीज़ नहीं भूलनी है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल है वो कौन है, क्योंकि उससे मुद्दा भटक के एक अपन को बिल्कुल ये जानना है कि ये जो बॉलीवुड का माफिया चल रहा है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। अगर सुशांत इसका सहारा बनता है तो बिल्कुल ये पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन आखिर कातिल कौन है, ये सवाल बनता है। ये सवाल बनता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो दूसरी डेड बॉडी किसकी थी, क्योंकि ये निश्चित है कि 2 डेड बॉडीज़ उस दिन थी और मुंबई पुलिस ने उसको छुपाने का काम किया है। तो बिल्कुल ये सवाल उठता है, और इसको अगर मीडिया हाउसेस नहीं उठा रहे हैं तो वो भी प्रश्न के घेरे में उठते हैं, और जो लोग सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अगर वो भी इस चीज़ पर बात नहीं करते हैं तो प्रश्न बनता है, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए अगर अभी तक नहीं उठा रहे तो, और मीडिया हाउसेस को भी इस पर बात करनी चाहिए, और रिपब्लिक भारत को तो सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो कि सुशांत सिंह राजपूत टॉपिक को बहुत अच्छे से सामने रखता है। तो उनको ये डिबेट में बिल्कुल विषय उठाना चाहिए, और मेन डिबेट का विषय भी ये रखना चाहिए जिससे दबाव बने सरकार के ऊपर, जिससे दबाव बने CBI के ऊपर कि वो इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेशन को लेके जाए। बाकी देखो, रिया चक्रवर्ती का फिक्स है कि वो जेल जा रही है। आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि सिद्धार्थ पिठानी ने भी ये कहा है कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के, क्योंकि देखो रिया को तो फंसा रही है, उन्होंने ये बोल दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से महंगा महंगा सामान गायब हो रहा था, वो बेचा जा रहा था। तो भैया रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक सवाल उठा दिया है सिद्धार्थ पिठानी ने CBI को स्टेटमेंट में, और जो दीपेश सावंत है उसने भी रख दिया है, वो भी CBI को ये बोलता है कि भैया रिया चक्रवर्ती पैसा बहुत ज़्यादा उड़ा रही थी, बहुत खर्चे कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के। तो जहाँ पर रिया इंटरव्यू में ये जाके कहती है कि भाई मैं तो भैया सुशांत का पैसा यूज़ नहीं करती थी, इवन मैंने भी 35,000 का जब मेकअप एक बार सुशांत ने मेरा उसका खर्चा दे दिया था तो मैंने उसे वापस कर दिया था। तो भाई आप सुशांत से लेके सुशांत को वापस कर दो, ये सब चीज़ें नहीं चलती है। तो आप दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हो कि अब इन लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया है जितने भी लोग हैं कि रिया को फंसाना है, बट आखिरी टाइम पे सुशांत की डेड बॉडी के साथ जो लोग थे वो कातिल हैं।
वो जानते हैं कि मौत के पीछे कौन है, उनको पकड़ना है, वो बचने नहीं चाहिए। और जो मेन मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे, जो इन कठपुतलियों को रन कर रहा है, वो भी नहीं बचना चाहिए। यार गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपके पास भी कुछ सुझाव होंगे तो बिल्कुल नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप मेरे को कुछ भी DM करना चाहो तो बिल्कुल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे कर सकते हो। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।